नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, है ना। इसमें कहा गया थ्री कंटेनर्स C1, C2 एंड C3 हैव वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। द टेबल बिलो, यहाँ पर टेबल दिखाया गया है, शोज द फाइनल टेम्परेचर टी व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर गिवेन इन लीटर्स आर टेकन फ्रॉम ईच कंटेनर्स एंड मिक्स्ड। एज्यूम नो लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। मैं टेबल बताता हूँ, टेबल में क्या दिया गया है, ये C1 अलग कंटेनर है, C2 अलग कंटेनर है, C3 अलग कंटेनर है। पहले जो रो है इसमें दिखाया गया कि एक लीटर C1 में से 2 लीटर C2 में से लेकर के मिक्स किया गया, तो मिक्सचर का टेम्परेचर आया 60 डिग्री इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। फिर दूसरे रो में दिखाया गया कि C2 जो कंटेनर है उसमें से 1 लीटर, C3 में से 2 लीटर लेकर के मिक्स किया गया, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर 30 आया। तीसरे रो में दिखाया गया कि इसमें से इस कंटेनर में से 2 लीटर, इस कंटेनर में से 1 लीटर मिलाया गया, तो टेम्परेचर आया 60 डिग्री। और चौथे रो में फाइनल रो है, तीनों कंटेनर में से 1 लीटर लेकर के मिलाया गया, तो टेम्परेचर थीटा आया। इस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ कि इस केस में जो टेम्परेचर था वो था T1, इस केस में था T2 और इस कंटेनर में था T3, है ना। डिफरेंट कंटेनर में जो टेम्परेचर था वो था डिफरेंट, इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3, ठीक। अब पहला वो कह रहा है कि इसमें से 1 लीटर, इसमें से 2 लीटर मिलाया गया, ठीक। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो T1 टेम्परेचर इनटू इसका वॉल्यूम ले लेते हैं 1 प्लस इसका T2 टेम्परेचर इनटू 2 लीटर इज इक्वल टू टोटल देखेंगे हो गया 3 लीटर, 3 लीटर इनटू ये हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी को कंजर्व करा रहे हैं, है ना। मास इनटू टेम्परेचर से भी एनर्जी आता है, वॉल्यूम इन टेम्परेचर से भी एनर्जी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर दोनों जोड़ करके एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी निकाली फाइनल टेम्परेचर पर, तीनों 3 लीटर हो गए, 3 लीटर इन टेम्परेचर की फाइनल एनर्जी हो गई, दोनों एनर्जी बराबर होना चाहिए, इस तरह से हमने इक्वेट किया। इस तरह से इसमें आएंगे तो इसमें आएगा 1, यहाँ पर टेम्परेचर है T2, इसमें 1 लीटर लिया इसमें से, इसमें टेम्परेचर है T3, इसमें से 2 लीटर लिया है ना, और फाइनल टेम्परेचर आया 30, तो 1 + 2 यानी कि 3 × 30। फिर इसमें आया है 2 लीटर T1 से, और फिर 1 लीटर T3 से, ये भी 3 लीटर हुआ, 60 डिग्री मिक्सचर का टेम्परेचर है, ठीक। चौथे वाले में 1 लीटर T1 से, 1 लीटर T2 से, 1 लीटर T3 से लिया, तो यह आ जाएगा 3 × थीटा। तो ये 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, T1, T2, T3 और थीटा, इनको हमें सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाले जो 3 इक्वेशन है इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो देखेंगे T1 कितना आएगा, T1 एक यहाँ पर है और T1 एक यहाँ पर है, तो 1 और 2 3 हो गया, 3 T1 प्लस T2 देखेंगे, T2 यहाँ पर 2 और T2 1, तो ये भी हो गया 3 T2 प्लस T3 देखेंगे यहाँ पर T3 2 और T3 1, तो ये भी हो गया 3 T3। सबको जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया, राइट हैंड साइड भी जोड़ेंगे, है ना। तो ये आएगा 60 + 60 120 + 30 50 × 3 150 × 3, ये आ गया, है ना। तो सोल्व करेंगे तो आएगा T1 + T2 + T3 = 150 आ गया, ठीक। अच्छा, अब यहां से देखेंगे ये जो फाइनल इक्वेशन था, ये कह रहा है कि T1 + T2 + T3 जो है वो 3 थीटा होना चाहिए, और यहां पर 150 आ रहा है, तो इसको मैं 3 थीटा लिख देता हूं, तो थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसमें थीटा का वैल्यू बताना था, तो आंसर जो है वो 50 उसमें हम लोग फिलअप कर देंगे।